नमस्कार, डिजिटल प्रभातमध्ये आपले स्वागत. येत्या 19 ऑक्टोबरला बधाई हो हा हिंदी चित्रपट आपल्या भेटीला येत आहे. या पार्श्वभूमीवर आपल्यासोबत आहेत चित्रपटाचे अभिनेते आयुष्मान खुराना आणि नीना गुप्ता. सर, क्या हो विजय, आपके पास सबसे पहले स्क्रिप्ट आई तो आपने खाकर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो आपका ट्रेलर है वही हिट हो गया, पूरा धमाका मचा दिया उसने, तो कैसे हाका आपने इस मूवी की? ये स्क्रिप्ट सुनते ही हाँ करती थी क्योंकि ये स्क्रिप्ट काफ़ी अलग है, काफ़ी यूनिक है, इसमें कैरेक्टर्स काफ़ी उभर के आते हैं एंड वो ट्रेलर में आपको दिख गया होगा कि कैसी है ये फिल्म. That's why, हाँ करना इसको कोई वो नहीं था बिकॉज तब लगा कि ऋषा फिल्म के बाद इमीडिएटली ये वो फिल्म थी जिसको मैं सुनते यहाँ कर दी थी. सर, देखा जाए तो 2012 के बाद शुभम मंगल साधन जो रोल है आपके, एक नॉर्मल रोल है या मिडल रोल है, तो आगे फ्यूचर में कोई ड्रीम प्रोजेक्ट जैसे कि कोई थ्रिलर हो या निगेटिव रोल हो, ऐसा कोई? एक थ्रिलर मेरी फिल्म से पहले आ रही है, 5th October को रिलीज हो रही है, उसका नाम अद्दा जोन है एंड वो काफ़ी अलग है मेरे लिए. इट्स ग्रे शेड है थोड़ा सा, इतना भी ग्रे नहीं है आई थिंक, बट इट्स मोर इन द थ्रिलर स्पेस. श्रीराम राघवन उसे डायरेक्ट कर रहे हैं जिन्होंने बदलापुर बनाई थी. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. सर, एज अ यूथ जैसे कि हम लोग सोचते हैं कि विकी डोनर वो एक सोशल संदेश मैसेज लेके आया था मार्केट में, तो इस मूवी से क्या आ रहा है इसे यूथ के लिए? जो यूथ के लिए है कि आपको एक्सेप्टेंस जरूरी है, मतलब अपने माँ बाप को एक्सेप्ट करना जरूरी है. अगर वो एक उम्र के बाद प्यार करते हैं दूसरे से, ज़्यादा एक्सप्रेसिव है, इतने एक्सप्रेसिव है कि उनका बच्चा भी पैदा हो रहा है फिल्म के अंदर, तो आई थिंक दैट्स द मैसेज दैट यू शुड एक्सेप्ट योर पेरेंट्स. ये फिल्म, दिस फिल्म इज डेडिकेटेड टू द पेरेंट्स. नीना, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिस कदर आपने मूवी में रोल निभाया है, कि हालांकि ऐसे आप वो लेके आते हो जो लोग नहीं सोचते हैं, ठीक है, विकी डोनर हो या ऐसी जो मूवी सर ने काम किया है कि लोग सोचते नहीं कि आप ऐसा रोल आप लेके आए हो मूवी में, तो क्या परेशानी हुई इस रोल को लेके ऑन स्क्रीन पे, या कुछ आज समाज में जो भी है कि ऑकवर्ड फील होता है इस चीज के बारे में, तो क्या कहोगे आप? देखो, मैं एक्टर हूँ तो एक्टर तो कोई भी रोल हो तो करना चाहिए और उसमें कोई ऑकवर्डनेस नहीं होती है. जबकि ऑकवर्डनेस तब हो सकती है हमारी जैसी इंडियन एक्ट्रेसेस को, क्योंकि हम लोग फिजिकैलिटी, बहुत क्लोज फिजिकैलिटी नहीं कर पाते है ना, वो तो अभी भी कर थोड़ा शुरू है. तो इसमें तो कुछ ऐसा था ही नहीं, इसमें तो एक नॉर्मल परिवार की कहानी है और जो एक घटना होती है उससे वो कैसे हैंडल करता है परिवार, कैसे एम्बेरस होते हैं, ये सब होते हैं. मेरा भी शुरू में एम्बेरसमेंट है, वो सब है, बट ऐसा कोई तकलीफ नहीं हुई ऐसी रोल करने में. अच्छा, तो क्या स्पेशली लेडीज सोसाइटी में, कि उनके लिए क्या कहोगे आप कि जो भी ऐसा ऑन स्क्रीन आना ऐसे लेवल पे या जो भी सिचुएशन मूवी में है वो रोल के हिसाब से, तो क्या खुल के कहोगे कि जो ऑकवर्ड फील करती है सोसाइटी की महिलाएं हो, तो उस बारे में? मैं ये कहूँगी कि आप जो भी करते हो उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस से करो, उसके बारे में शर्मिंदा मत हो. गलत भी करो और सही भी करो तो भी, अगर गलती किया है तो गलती स्वीकार करके आगे से मत करो, लेकिन किसी भी सिचुएशन में सॉरी महसूस करना और एम्बेरस महसूस करना अगर आप करोगे तो दुनिया भी होगी. अगर आप ही सर उठा के सीना तान के जाओगे तो दूसरे कुछ बोलेंगे नहीं, डर जाएंगे. सो ये कहना चाहूँगा. सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी का जो भी हम देख रहे हैं यूथ हो या कोई हो या शाहरुख या सलमान सामने आ जाता है, बट आज का जो युवा है वो आपको देखता है कि नहीं आयुष्मान खुराना जी है जो विकी डोनर से आज तक शुभम मंगल साधन तक एक फैन हो गए, तो उनके लिए क्या होगा? उनको क्या, उनको ये बोलूँगा कि अपना जो पैशन है वो फॉलो करें एंड उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी हो. अपने आसपास जेलों की ज़्यादा जगह उनको रखो जो आपको सच बताएं कि आप कहाँ पे हो, कितने पानी में खड़े हो, या फिर एट द सेम टाइम हार्डवर्क करें, क्योंकि कभी कभी जो लोग टैलेंटेड होते हैं वो पीछे रहते हैं, जो हार्डवर्क करते हैं उनसे भी आगे निकल जाते हैं. सो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट हार्डवर्क एंड पैशन. थैंक यू सर, डिजिटल प्रभात की तरफ से पूरी टीम को बधाई हो. थैंक यू. मूवी ट्रेलर की तरह धमाका कर दे. थैंक यू. जर तुम्ही आम्हाला फेसबुकवर पाहत असाल तर आमच्या पेजला लाईक करा, जर तुम्ही आम्हाला युट्यूबवर पाहत असाल तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. नमस्कार.